उत्तर प्रदेश में अगर आप बीजेपी में हैं, ठाकुर हैं यानी राजपूत जाति से हैं, तो अगर आप किसी लड़की से तेल मालिश भी करवाइएगा या उसका बलात्कार भी कीजिएगा तो आपको वो माफ हो जाएगा। आप कहिएगा क्या बेतुका बात बोल रहे हैं आप, हम कह रहे हैं कि हम कोई भी बात बिना तथ्य और तर्क के बोलते ही नहीं हैं। द लल्लन टॉप और न्यूज 18 के रिपोर्ट के मुताबिक ये आप खबर जो है आप यहाँ पर देखिए, हम कहेंगे इनको दिखाने के लिए कि स्वामी चिन्मयानंद पर दर्ज साध्वी के रेप का केस वापस लेना चाहती थी यूपी सरकार, लेकिन जारी किया था आदेश। लेकिन यहाँ पर देखिए कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ चिन्मयानंद है और चिन्मयानंद पर जो है देखिए क्या लिखा कि लॉ स्टूडेंट के यौन शोषण यानी सेक्सुअल हरासमेंट केस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री बीजेपी नेता चिन्मयानंद गिरफ्तार हो चुके हैं। SIT के सामने शुक्रवार को पूछताछ में चिन्मयानंद ने माना कि उनसे गलती हुई और उन्होंने ही मालिश के लिए छात्रा को अपने कमरे में बुलाया था। इस दौरान चिन्मयानंद ने कहा कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है, उनसे बड़ी भूल हुई, कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि 2011 में भी एक उनका मामला था और उसके बाद जो है यूपी सरकार क्या चाहती है, हाई कोर्ट तभी से लंबित मामला चल रहा था, चिन्मयानंद पर दर्ज यह केस यूपी सरकार वापस लेना चाहती थी। इसके लिए बाकायदा 28 मार्च 2018 में सरकार ने उनके खिलाफ दर्ज IPC के धारा 376 और 506 का केस वापस लेने का आदेश भी दे दिया था, लेकिन पीड़िता साध्वी के अड़े रहने की वजह से सरकार इसमें सफल नहीं हो सकी। खबर किसका है, खबर न्यूज 18 इंडिया का है। और मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री जो है जो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्यों किया ये भी आप जान लीजिए, ये भी हम आपको जो है वो तथ्य के साथ बता दे रहे हैं। ये यहाँ पर आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विपक्ष में बार बार चिन्मयानंद के साथ मुख्यमंत्री की निकटता की ओर इशारा किया। आदित्यनाथ ने पिछले साल फरवरी में शाहजहांपुर का दौरा किया था, जहां उन्होंने चिन्मयानंद के आश्रम द्वारा आयोजित एक मुमुच युवा महोत्सव में भाग लिया। और उसके बाद इनका जो है संबंध इतना अच्छा है योगी आदित्यनाथ से, और द प्रिंट के खबर के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद की तरह यानी जो ठाकुर क्रिमिनल होते हैं या ठाकुर आरोपी होते हैं, राजपूत आरोपी होते हैं, उनके साथ जो है वो अलग तरह का रवैया निभाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, द प्रिंट का है, लल्लन टॉप की ये खबर है, न्यूज 18 इंडिया की ये खबर है। और उसके अलावा याद कीजिए योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर बात हो रही है, लेकिन एक लड़की और एक आरोपी जो कह रहा है कि हाँ हमने उसको अपने कमरे में बुलाया और मालिश करवाया, एक रेप का भी मामला चल रहा है, वहाँ योगी मॉडल कहता है कि हम 2018 में इसको इस केस को यानी उस पर जो आरोप है 376 जो बलात्कार का आरोप है उसको वापस लेना चाहते हैं। हालांकि वहां की निचली अदालत ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और उसके बाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप जो है केस वापस नहीं ले सकते हैं जो अभी तक केस चल रहा है। लेकिन ये सवाल है उत्तर प्रदेश की उस सरकार से जो कहती है कि हम बुलडोजर का राज चलाते हैं। सोचिए कि एक रेप पीड़िता को जो है आगे आना पड़ा, तब जाके जो है ये हुआ कि उन पर जो है वो केस वापस नहीं लिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने चिन्मयानंद जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री भी थे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, उनका केस वापस लेना चाहती थी। और ये वही सरकार है जो बुलडोजर नीति की बात करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ये जीरो टॉलरेंस ही है कि एक लड़की के बलात्कार करने वाला आरोपी को योगी आदित्यनाथ 2018 में केस वापस लेना चाहती थी। ये उत्तर प्रदेश का मॉडल है और ये उत्तर प्रदेश के मॉडल के साथ साथ ये सवाल भी है कि देखिए कि उत्तर प्रदेश में कैसे कानून व्यवस्था चलाया जा रहा है, कैसे चिन्मयानंद पर जो केस था उसको योगी आदित्यनाथ हटाना चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट और जो वहाँ निचली अदालतें हैं उन्होंने कहा कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये ठाकुरवाद का दम है, ये राजपूत की जो सरकारें हैं उसका एक दम है। अगर आप राजपूत हैं, आप बलात्कार भी अगर करते हैं तो वहाँ की सरकार जो है वो अगर, लेकिन नियम है आपको BJP में रहना जरूरी है। अगर आप किसी और समाज में हैं और किसी और पार्टी में हैं तो आपके साथ वही होगा जो अन्य माफियाओं के साथ हो रहा है। लेकिन अगर आप BJP में हैं, योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय हैं,
तो आप पर ये नहीं होगा। सोचिए कितना बड़ा खबर है, लेकिन इस पर मीडिया आपको दिखाएगा नहीं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।